हेलो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कुटिया स्टडीज़। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का फिजिक्स चैप्टर का लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। फिजिक्स में पढ़ने वाले हम लोग लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता क्या है, इसके दो लॉ होते हैं, दोनों लॉ को आज हम लोग देखने वाले हैं। तो पहले मैं समझा देता हूँ एक एग्जाम्पल से। ये मान लीजिए कोई मीडियम होगा, मीडियम फर्स्ट, ये मीडियम सेकंड, कोई दूसरा मीडियम होगा। मान लीजिए ऊपर एयर होगा तो नीचे हमारा वाटर होगा, ठीक है। ऊपर मैं बोल देता हूँ एयर, जिसका रिफ्रैक्स ये होता है ना, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू वन बोल देता हूँ। एंड नीचे मान लीजिए मीडियम हमारा, ऊपर एयर था, नीचे मान लीजिए ये हमारा कौन सा मीडियम हो गया, वाटर हो गया। नीचे हमारा वाटर मीडियम है एंड इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू टू है, ठीक है। फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू वन है एंड सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू टू है। तो हमें मान लीजिए कोई रेज, ये कोई रेज है जो कि मीडियम फर्स्ट से, ये मीडियम फर्स्ट है, मैं इसे मीडियम फर्स्ट बोल देता हूँ एंड इसे मैं मीडियम सेकंड बोल देता हूँ। मीडियम फर्स्ट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू वन है एंड मीडियम सेकंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू टू है। एंड मीडियम फर्स्ट से कोई हमारा रेज मीडियम सेकंड की ओर आ रहा है, ठीक है। एंड ये दोनों मीडियम का क्या हुआ, दोनों मीडियम का बॉर्डर हो गया, ये दोनों मीडियम का बॉर्डर हो गया। तो मीडियम फर्स्ट से मीडियम सेकंड की ओर कोई रेज आ रही है, मीडियम सेकंड में कोई रेज आ रही है, तो वो क्या सीधे चली जाएगी या इधर उधर थोड़ा मुड़ जाएगी रेज। तो आप लोग क्या जानते हैं, मैं बोल देता हूँ इनकी, ये हमारा क्या हो गया, नॉर्मल हो गया। मैं यहाँ पे नॉर्मल बना देता हूँ, ये हमारा नॉर्मल हो गया, दोनों मीडियम का ये नॉर्मल हो गया, ये हमारा नॉर्मल है, ठीक। ये हमारा इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे। एंड अगर कोई मीडियम, ये एयर है एंड ये वाटर मीडियम है, तो एयर हमारा कौन सा मीडियम हुआ, कहने का मतलब एयर हमारा डेंसर मीडियम हुआ या रेयरर मीडियम हुआ, आप लोग बताइए एयर हमारा कौन सा मीडियम हुआ, आप लोग जानते हैं क्या। तो एयर हमारा होता है रेयरर मीडियम, ऐसे ही पता चल रहा है। एंड वाटर हमारा कौन सा मीडियम हो जाएगा, डेंसर मीडियम। तो कोई भी रेज अगर रेयरर से डेंसर की ओर आ रही है तो वो नॉर्मल से दूर जाएगी या नॉर्मल की ओर ही आ जाएगी। तो ये नॉर्मल की ओर ही आ जाएगी, मैं बोल देता हूँ रेयर है डेंसर, मतलब इस रेयर एंड मीडियम में अगर पार्टिकल जो होंगे, पार्टिकल के छोटे 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 पार्टिकल्स होते हैं इस मीडियम में, वो पार्टिकल फैले फैले होंगे, मतलब दूर दूर होंगे, तो कोई रे जाएगी तो वो आसानी से इधर उधर ट्रेवल कर सकती है। एंड डेंसर मीडियम में पार्टिकल जो होते हैं ना इसके, वो सटे सटे होते हैं एक दूसरे के, ज़्यादा डेंसिटी में फैले नहीं होते हैं। तो कोई भी रेज आएगी तो वो नॉर्मल की ओर ही मुड़ जाएगी। तो रेयरर, मैं यहाँ से सिंपल बता देता हूँ, अगर रेयरर मीडियम से हम लोग डेंसर मीडियम की ओर आ रहे हैं तो वो नॉर्मल की ओर क्या करेगी, मुड़ जाएगी, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से ये इंसिडेंट रे हुआ एंड ये मुड़ने वाली रे सीधे तो नहीं गई रे, जाना चाहिए था तो इसे इस तरह से, कुछ इस रे को कुछ इस प्रकार से जाना चाहिए था, लेकिन ये मुड़ गई थोड़ा। तो इस रे को मैं कौन सा रे बोलूं, रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे। ये हो गया रिफ्रैक्टेड एंड ये हो गया हमारा इंसिडेंट रे। और ये नॉर्मल से जो इंसिडेंट रे एंगल बनाएगी इस एंगल को आई, एंड रिफ्रैक्टेड रे से जो नॉर्मल से एंगल बनाएगी वो एंगल को मैं आर बोल देता हूँ। तो ये आई हो गया, ये आर हो गया। अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, तो हमारा फर्स्ट लॉ इसी में कहता है, लॉ हमारा क्या कहता है, इसमें हमारे दो लॉ हैं। फर्स्ट लॉ में हमसे क्या कहता है, इंसिडेंट रे रिफ्रैक्टेड रे
एंड नॉर्मल लाई इन सेम प्लेन. ये इंसिडेंट रे हुआ, ये रिफ्लेक्टेड रे हुआ एंड ये नॉर्मल सेम प्लेन में लाई करेगी. सेकेंड लॉ इसमें क्या कहता है, मतलब तीनों एक ही प्लेन में हमारा होना चाहिए. एंड सेकेंड लॉ इसमें क्या कहता है, सेकेंड लॉ को ऐसे हम लोग कौन सा लॉ बोलते हैं, उसे हम लोग सनेल्स लॉ बोलते हैं, सनेल्स लॉ. ठीक है, तो सनेल्स लॉ क्या है, सनेल्स लॉ कहने का मतलब साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू होता है कॉन्स्टेंट. मतलब कि ये आई वाला एंगल है और ये आर वाला एंगल है, इसका साइन वाला कंपोनेंट अगर हम लोग लें, साइन वाले कंपोनेंट, तो वो कांस्टेंट आएगी. एंड ये यही कांस्टेंट टर्म को हम लोग बोलते हैं रिले, ये साइन आई अपॉन साइन आर, या हम लोग बोल सकते हैं साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोल सकते हैं. देन हमारा क्या हो जाएगा, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमारा साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. कहने का मतलब मीडियम फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम सेकंड. तो हम यहाँ से, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू इतना आ गया, तो साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू टू वाई म्यू वन. ये तो आप लोग जानते ही होंगे. ठीक है, एंड हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो म्यू वन साइन आई इक्वल टू म्यू टू साइन आर हमारा हो जाएगा. ठीक है, म्यू वन साइन आई इक्वल टू म्यू टू साइन आर, यही हमारा होता है सनेल्स लॉ. इसी को कहते हैं हम लोग सनेल्स लॉ. ये हमारा क्या हो गया, सनेल्स लॉ हो गया. तो हम लोग इसका अगर हमें डिफिनेशन लिखना हो सनेल्स लॉ का, तो हम लोग किस प्रकार से लिखेंगे सनेल्स लॉ का, हमें डिफिनेशन लिखना हो तो हम लोग लिख सकते हैं. तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा सनेल्स लॉ का क्या डिफिनेशन. सनेल्स लॉ का हमारा डिफिनेशन हो जाएगा क्या, हम लोग बोल सकते हैं इट इज, ये हमारा था ना, तो हम इसे बोल सकते हैं इट इज रेशियो ऑफ साइन वैल्यू ऑफ इंसिडेंट एंगल एंड रिफ्रैक्टिव एंगल इज इक्वल टू, हमने क्या बोला, साइन वैल्यू ऑफ इंसिडेंट एंगल एंड साइन वैल्यू ऑफ ये रिफ्रैक्टिव एंगल इक्वल टू क्या हो गया, कॉन्स्टेंट. और उसका रेशियो हमने लिया था, इसलिए मैंने बोल दिया इट रेशियो ऑफ, ठीक है, इक्वल टू कॉन्स्टेंट, या हमने क्या बोला इसे, कॉन्स्टेंट, या हमने क्या बोला, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. तो मैं ये लिख सकता हूँ रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. तो ये हमारा हो गया क्या, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, या हम लोग रिलेटिव रिफ्रैक्टिव से बोल सकते हैं, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव बोल सकते हैं इंडेक्स. रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज नोन एज सनेल्स लॉ. इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, सनेल्स लॉ बोलते हैं. तो आज के लिए इतना ही, मैंने यहाँ पे आज सनेल्स लॉ बता दिया. तो नेक्स्ट वीडियो में मैं शायद रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के अलग अलग मीडियम में, नहीं तो मैं इसी लेक्चर में इसे कवर कर दूँ क्या, ठीक है, मैं इसी लेक्चर में इसे कवर कर देता हूँ. तो नेक्स्ट हम लोग क्या कवर करने वाले हैं, मैं यहाँ पे बोल देता हूँ, हम लोग नेक्स्ट कवर करने वाले हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडियम या इन मोर देन टू मीडियम. अभी मैंने टू मीडियम लिया, तो मैं इस बार अगर मोर देन टू मीडियम बोल दूँ, मोर देन टू मीडियम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट मोर देन टू मीडियम, तो किस प्रकार से मैं बोल सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ सिंपल सी बात है, ये हमारा कोई और मीडियम हो जाएगा, ये हमारा, मैं तीन मीडियम इस बार ले लेता हूँ. ठीक है, यहाँ पे मैंने थ्री मीडियम लिया, कोई अगर मैं यहाँ पे ले लूँ एयर है, एंड ये मान लीजिए वाटर है, एंड ये कोई और मीडियम होगा, ग्लास होगा,
ग्लास होगा, तो मैं यहाँ पे तीन मीडियम ले रहा हूँ, तीन मीडियम। तो मैंने यहाँ पे तीन मीडियम ले लिया। अब मैं क्या कर सकता हूँ, सिंपल सा, यहाँ से मैंने कोई इंसिडेंट अरे लाया, इंसिडेंट किया, इससे वाटर लैंड, ये बॉर्डर ही है हमारा समझो एक तरह से, एयर एंड वाटर मीडियम का बॉर्डर हो गया ये। एंड इस यहाँ पे ये हमारा क्या हो गया, नॉर्मल हो गया। एंड ये रेत तो कुछ इस प्रकार से चली जाएगी, ठीक है। इस रे, ये रे हमारा यहाँ पे आ गया, एंड ये फिर से नॉर्मल हो गया, इन दोनों मीडियम के नॉर्मल हो गया। ये ग्लास होगा, अच्छा ग्लास और वाटर, तो इसमें से डेंसर मीडियम कौन सा, तो डेंसर तो ऐसे ही समझ में आ रहा, तो यही होगा हमारा डेंसर ग्लास ही होगा, देन हमारा ये डेंसर मीडियम हो गया। तो इसे जाना चाहिए तो देखो इस प्रकार से इधर, देन इधर थोड़ा ही। तो ये एंगल क्या हो गया आई, ये एंगल हो गया आर। मैं इस एंगल को फिर से क्या बोल दूँ, आर ही बोल दूँ, है ना, ये आर है तो ये भी आर होगा, देन ये क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, कि अब यहाँ से मैं लिख सकता हूँ, इसे म्यू वन बोल देता हूँ, इसे म्यू टू बोल देता हूँ, इसे म्यू थ्री बोल देता हूँ। अब मैं इन दोनों में अगर साइलेंस लॉ लगाऊँ तो क्या हो जाएगा, म्यू वन साइन आई इक्वल टू म्यू टू साइन आर हो जाएगा। तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। एंड इन दोनों में अगर हम मैं साइलेंस लॉ लगाऊँ तो क्या हो जाएगा, म्यू टू, यहाँ पर म्यू टू, और इन इसमें कौन सा मीडियम है, साइन आर है, म्यू टू साइन आर इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, म्यू थ्री साइन आई, ये हो जाएगा सिंपल है, ये वाला एंगल एंड ये एंगल, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब मैं बोल सकता हूँ यहाँ क्या, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, देन क्या हो जाएगा, म्यू वन साइन आई इक्वल टू म्यू टू साइन आर इक्वल टू म्यू थ्री साइन आई। एंड और भी बहुत सारा मीडियम होगा तो और ये चले चलता चला जाएगा, म्यू फोर साइन आर, फिर म्यू फोर साइन आर, इस तरह से म्यू फाइव साइन आई, इस तरह से लिख सकते हैं। तो मैं अलग अलग मीडियम के लिए, डिफरेंट मीडियम के लिए मैं साइलेंस लॉ का उपयोग कर सकता हूँ इसी प्रकार से, ठीक है। डिफरेंट मीडियम में भी मैंने साइलेंस लॉ का इस्तेमाल करना आप लोगों को बता दिया। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मैं लेंस फॉर्मूला लेके आऊँगा, वन बाई वी इक्वल टू वन बाई एफ इक्वल टू वन बाई बी माइनस वन बाई यू, ये तो आप लोग जानते ही होंगे, मैं इसे प्रूव लेकर आऊँगा। तब तक के लिए गुड बाय, एंड वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू गाइस।